हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद आपका माइंडसेट बदल जाएगा। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ एक वीडियो की क्लिप दिख रही होगी। इस वीडियो क्लिप के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि जो घनश्याम जी हैं, जो हाल ही में 2023 में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, कई सेमिनार्स में गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। अगर एक साल का दिखा दूंगा ना तो आधे लोग लेट जाओगे यहाँ पे, ये गारंटी बोलता हूँ। उन्होंने हाल ही में एक गलती की कि अपना वेरीफाइड पैनल शेयर किया सेप्टेम्बर के अंदर, और उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये कर दी कि उस वेरीफाइड पैनल को रिमूव कर दिया। मैं भी वो नहीं देख पाया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन पे मैंने थोड़ा सा ट्रस्टवर्थी करा है, जिनकी वीडियोज़ मैंने कभी थोड़ी बहुत देखी हैं, तो उनमें से कुछ लोगों की मैंने वीडियोस को बार बार देखा, और जो वीडियो मुझे सही लगी वो मैं आपके लिए लेकर आया, जिसमें से आप कुछ बातें सुन पाएं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सैटरडे या संडे, डेट एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन सैटरडे संडे को अभी रिसेंटली उन्होंने अपना वेरीफाइड पीएनएल लोगों के साथ शेयर किया, एक लिंक होती है ज़ीरोधा की, वेरीफाइड पीएनएल शेयर किया। अब शेयर तो किया, लेकिन शेयर करने के बाद असली चीजें शुरू हुई। मतलब कुछ लोगों ने जब इस पीएनएल को चेक किया तो कुछ लोगों को 72 लाख का लॉस दिखने लग गया, कुछ लोगों को इसमें लॉस दिख रहा था 4 करोड़ का, 1 करोड़ का, और कुछ लोग प्रॉफिट भी देख रहे थे 6 करोड़ 80 लाख का। अब यहाँ पे आप एक बात सुनिए कि 75 लाख का लॉस नॉर्मल है घनश्याम जी के लिए, लेकिन अगर वही लॉस 4 करोड़ के ऊपर चला जाए तो उनके उस बात का क्या होगा कि जब मेरा लॉस ज्यादा होता है मैं भाग जाता हूँ ट्रेड छोड़ के। तो यहाँ पे उनकी खुद की दी सीख काम नहीं आ रही है, लेकिन इससे बड़ी चीज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, अभी बने रहिए। देखिए, ताज्जुब की बात यह है और क्वेश्चंस तब उठ जाते हैं तब, जबकि अभी अगर आप जाके उस पीएनएल को चेक करोगे, वैसे तो ये लिंक अगर लाइफ टाइम के लिए डाल जाती है तो आप लाइफ टाइम के लिए से देख सकते हो। इस लिंक को अगर घनश्याम जी रिमूव नहीं करेंगे या उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक ये लिंक वहीं पे रहेगी, आप लोग चेक कर पाओगे। जैसे कि पावर ऑफ स्टॉक्स का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सुभाषीष जी ने भी ऐसी लिंक डाली थी वेरीफाइड पीएनएल की, वो अभी भी जाके आप चेक करोगे तो वैसे ही दिखेगी, लेकिन घनश्याम जी ने उस लिंक को रिमूव कर दिया। मतलब लिंक है, अगर आप चैनल पे जाके चेक करोगे, क्लिक करोगे, आपको वहाँ पे एरर आएगा, मतलब वहाँ पे वो रिमूव कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया, क्यों किया ऐसा? देखिए, कोई चीज़ें ऐसी होती है जब, यही चीज़ है जिसकी वजह से ये बात ने इतना तूल पकड़ लिया कि आखिर उसमें था क्या। और यही चीज़ जब मैंने सुनी कि भाई वो लिंक रिमूव कर दिया गया, तभी मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा जागी कि मैं अभी पता करूँ उसमें क्या था। अब मैं आपको वो लिंक जो था वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया है तो वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, जब भी उन्होंने वीडियो डाला, ओके, उसमें सबसे शुरुआती टाइम में अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो उनका पीएनएल उन्होंने शेयर किया, तो आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो सेप्टेम्बर का जो है शेयर किया गया, ये पिछले एक साल का यानी करंट ईयर का नहीं शेयर किया, ये 2021 से लेकर 2022 के बीच का पीएनएल शेयर किया गया है। और उसके साथ ही इसमें जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 6 करोड़ का। और उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए करंट स्ट्रीक और लॉन्गेस्ट स्ट्रीक, तो ये जो करंट स्ट्रीक दिख रही है वो 13 दिन की दिख रही है, यानी 13 दिन लगातार उन्हें प्रॉफिट हुआ इस पीरियड के बीच में, उसके बाद भी जाके सिर्फ 6 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट। एक ऐसा इंसान जो रेगुलर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करता है, उसका साल खत्म होता है सिर्फ 6 करोड़ 80 लाख के प्रॉफिट के साथ। यानी मोटा मोटा देखिए जिस तरह की वीडियो हमें दिखाई जाती है घनश्याम जी की, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट होना चाहिए था कम से कम 40-50 करोड़ के आसपास, एटलीस्ट इतना होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत कम है उस एक्सपेक्टेशन से जो हमें घनश्याम जी के साथ थी। यहाँ पर एक बात समझिए, घनश्याम जी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो निकल रहा है वो निकल रहा है कुछ कि उन्हें 45 टाइम्स लॉस हो रहा है, 55 टाइम्स वो प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट चीज़ें बराबर चल रही हैं। और उसके बाद कुछ दिन ऐसे निकलते हैं जब वो प्रॉफिट कमा ले जा रहे हैं, और वही रिजल्ट आप देख रहे हैं अपने सामने 6 करोड़ 80 लाख का। और इसमें देखिए, अब हमें ये नहीं पता इस लिंक के अंदर कि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है इसके अंदर कितना वो प्रॉफिट है जो उन्हें रेफरल के थ्रू मिला है, क्या ये जो प्योर इनकम है ट्रेडिंग की है या इसके अंदर रेफरल का भी इनकम इंक्लूड है, क्योंकि रेफरल से भी उन्हें कम से कम 2.5 से 3 करोड़ 4 करोड़ के करीब की अर्निंग होती होगी, क्योंकि इस समय जितना रोला घनश्याम जी ने काट रखा उतना किसी ने नहीं काट रखा। देखिए सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2022 तक 6 करोड़ 80 लाख का उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे बताया हुआ है टोटल, 13 दिन तक लगातार उन्होंने प्रॉफिट किया। अब देखिए 1st of October को सिर्फ एक दिन में इनको 1 करोड़ 20 लाख का लॉस हुआ है, 1 करोड़ 20 लाख का बहुत बड़ा लॉस है। ऐसा नहीं है घनश्याम जी के लिए तो ये छोटी बात है, क्योंकि वैसे भी वो करोड़ में प्रॉफिट करते हैं, करोड़ में लॉस करते हैं, ये तो हमें पता था, लेकिन घनश्याम जी ने कभी इस चीज़ को शेयर नहीं किया। देखिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मोस्टली डे ग्रीन है यहाँ पे आपके सामने 4 मंथ आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
जो मोस्टली हमें यहाँ पे ग्रीन ही देखने को मिल रहे हैं और रेड जो है हमें सिर्फ नाक के बराबर देखने को मिला है, उसके बावजूद प्रॉफिट इतना कम क्यों है? इसका सिंपल मतलब यही है, जो नॉर्मल रिटेलर्स के साथ प्रॉब्लम होती है वही प्रॉब्लम इनके साथ भी है कि ये कमाते 10 दिन है और एक दिन के अंदर इनका 10 दिन का सारा प्रॉफिट चला जा रहा है, या इसे ऐसा करते हैं कि 10 दिन का ना जाके 9 दिन का प्रॉफिट चला जा रहा है और वही जो प्रॉफिट बच रहा है वही इन्होंने लास्ट में दिखाया 6,80,00,000 का। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये वीडियो को देखिएगा तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी। देखिए, मैं घनश्याम जी का कोई दुश्मन नहीं हूँ, जो वीडियोस मुझे ऑनलाइन मिली और जो मुझे जेन्युइन लगी मैं आपको खाली वो दिखा रहा हूँ कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना। मैं भी घनश्याम जी को स्टार्टिंग में फॉलो करता था, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि भाई ये बढ़िया ट्रेडर है, अपनी स्ट्रैटेजी लाइव ओपनली शेयर करता है, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया और रिजल्ट ये निकला कि मैं 1 से 2 दिन प्रॉफिट कमा रहा था लेकिन बाकी दिन मुझे लॉस हो रहा था। इस वजह से मैंने घनश्याम जी को फॉलो करना छोड़ दिया, उन्हें अनसब्सक्राइब कर दिया और अपने ही तरीके से ट्रेड करनी शुरू कर दी थी। देखिए मैं दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, ओके। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बाय किया था 231, 230, 30, 30, दिख रहा है प्राइस, देखो यहाँ पे। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 22 जून की डेट है, यहाँ पे पी बाय किया गया है 43,600 का, जो क्वांटिटी दिख रही है आपको 900 के लॉट्स में दिख रहे हैं और ये प्राइस आप देख पा रहे होंगे 230, 231, 232, इसी रेंज के अंदर बाय हुआ है। जो बाइंग टाइम है मार्केट ओपन होते ही उन्होंने 9:15 पे बाय कर लिया है। ये बाय की गई है क्या, पी बाय किया गया, पी राइट साइड में 231 में बाय किया। सेल कब किया, देखिए सेल कब किया, ओके अभी तक सेल नहीं किया, हाँ देखिए सेल किया, ओके 927 को सेल किया 290 के प्राइस पे। अब यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिएगा, 927 को प्रॉफिट बुक किया गया है जब जो कॉल की वैल्यू है 292 के आसपास चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आपने एक साइड कॉल बाय की गई है तो दूसरे साइड कॉल सेल होगी, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी सेल का सिंबल नहीं आ रहा है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये वीडियो 22 जून की थी, मैं उनके चैनल पर गया और जब मैं उनके चैनल पर गया मैंने इस वीडियो को लाइव देखने की कोशिश की तो 20 जून से लेके 25 जून तक के बीच की सारी वीडियोस को रिमूव कर दिया गया था। उससे पहले की वीडियो है, उसके आगे की वीडियो है, लेकिन बीच की कोई भी वीडियो नहीं है जिसपे इस तरीके का हमें देखने को मिले। तो उसके बाद इन भाई साहब को जहां से वीडियो का लिंक मिला, भाई क्या है ये, मजाक समझ के रखा है यार। हमारे यहाँ तो जब सेल करेंगे तो सेल की इंटरेस्ट आपको लगेगा, मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा है। ये देखिए हमारे साथ ऐसी टेक्निक, यहाँ पे ये जो जुबैर खान है इन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था इस वीडियो पे, तो मैं गया ट्विटर पे, मैंने इन्हें फाइंड किया, उसके बाद मैंने 26 अगस्त की आके इस वीडियो को देखा जब उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया। तो एक्चुअल में घनश्याम जी ने पूरी वीडियो के अंदर कहीं नहीं बोला कि ये कोई एरर है, उन्होंने सिंपल बोला कि मैंने इस पे बाय किया और फिर उसके बाद मैंने सेल कर दिया और अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया वहाँ पे और उसे अर्न करा, कुछ नहीं बताया गया। अब देखिए घनश्याम जी को साइड में रखते हैं तो जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो देखते होंगे तो शॉर्ट्स आते होंगे जिसमें बहुत सारे लोग अपना लाइव प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, तो देखिए वो लाइव प्रॉफिट कभी भी रियल नहीं होता है क्योंकि इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से बड़ा प्रॉफिट कमाना। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिस वीडियो को देखने के बाद किसी भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स का बड़ा प्रॉफिट देख के आप उसे फॉलो मत कीजिएगा। आप में से काफी लोगों को देखते होंगे कि देखो भैया ये इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर तो लाइव प्रॉफिट करता है तो ये एकदम ओरिजिनल है, यहाँ देखे किस तरह से फ्रॉड किया जाता है। डमी ऐप में अपने हिसाब से आप लोग कैपिटल डाल सकते हैं और आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो हुहुदा का ही अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए 420 करोड़ हो गया और कुछ भी पोजिशन लीजिए भैया, पेपर ट्रेड है और इसका इंटरफेस देखिए, आप देख के कह भी नहीं सकते हो कि ये नकली है। इसी प्रकार से मैक्सिमम लोग जिनका आप 1-1, 2-2 करोड़ का प्रॉफिट देखते हो लाइव दिखता है, वो पोजिशन एग्जिट करके भी दिखाते हैं, एंटर करके भी दिखाते हैं, रिफ्रेश करके भी दिखाते हैं, वो इसी तरीके से होता है। आप जान के हैरान हो जाओगे, इनफैक्ट वेरीफाइड लिंक को भी पूरी तरीके से फेक किया जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी वीडियो को इस तरीके से प्रॉफिट देखने के बाद और साथ ही साथ अगर हर कोई बंदा आपके साथ वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रियल प्रॉफिट हो। आपको मैं देखिए 100 की सीधी बात बताता हूं, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, रेगुलर पैसा कमाना है, तो आपकी इसकी हर एक कैटेगरी के अंदर आपको इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। सबसे पहले पोजिशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके साथ ही जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है
वो रेगुलर पैसा कमाने के लिए कभी नहीं की जा सकती। एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ऑप्शन ट्रेडिंग करके, इंट्राडे ट्रेडिंग करके रेगुलर बेसिस पे डेली पैसा नहीं कमाया जा सकता। लाखों करोड़ों में से शायद ही कोई एक इंसान हो जो ऐसा कर पाए, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे डेज आते हैं महीने में जब आप रेगुलर मार्केट में ट्रेड करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये वो दिन है जिस दिन मार्केट के इस साइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आप मार्केट खुलने के बाद अपनी उस वाली साइड पर ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस डीप रख के प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे जो डे होते हैं महीने में 5 से 6 दिन आते हैं, यानी आप 5 से 6 दिन सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या किसी और पे ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। रेगुलर अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ लॉस ही होगा। और दूसरा चीज़, अगर आपको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पे जाएं। स्विंग ट्रेडिंग सेफेस्ट तरीका है, लॉस लिमिटेड होता है पर प्रॉफिट 20-30% तक का हो सकता है। अगर आपने मेरा स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम देखा है तो आपको पता होगा कि मैं प्रॉफिट किस तरीके से दिखाता हूँ आपको। एडवांस में ही बाइंग के लेवल और सेल के लेवल दोनों ही, सॉरी बाइंग के लेवल दे देता हूँ, बाइंग का टारगेट देता हूँ, और सेल करना मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में ब्लाइंडली पैसा नहीं बनाया जा सकता। बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा टाइम लगता है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।